Go get him! You go and get him! Welcome to Maxine. Jackie Chan, one of the best martial artist और actor हैं, जिनकी movies all around the world देखी और पसंद की जाती हैं। Jackie Chan के stunts देखकर और भी actor उनसे inspired हुए। Jackie Chan ऐसे actors में से हैं जो अपने stunts खुद करते हैं, जबकि बाकी actors के लिए stuntman या body double का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में आपको जैकी चैन की टॉप 5 मूवीज के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 5, स्नेक इन द ईगल्स शैडो। ये मूवी 1978 में रिलीज हुई। इस मूवी में जैकी चैन कुंग फू स्कूल में नौकरी करते थे, फिर वो खुद भी मार्शल आर्ट सीखते हैं, जो अपने दुश्मन ईगल क्लॉ क्लैन के मेंबर्स के साथ फाइट करते हैं। इस मूवी में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग सीन्स हैं। नंबर 4, प्रोजेक्ट ए। ये मूवी एक्शन एडवेंचर है। इस मूवी में जैकी चैन मेहरीन पुलिस में होते हैं, फिर वो अपने दोस्त की वजह से पुलिस की नौकरी छोड़कर उसके साथ चले जाते हैं। इस मूवी के स्टंट्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। नंबर 3, आर्मर ऑफ गॉड। इस मूवी में वो अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैपर से बचाते हैं, जिसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। इस मूवी में जैकी चैन म्यूजिशियन के रोल में नजर आते हैं। इस मूवी में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी है। नंबर 2, पुलिस स्टोरी 1। पुलिस स्टोरी पूरी सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन इस सीरीज का पार्ट 1 ऑफ द बेस्ट है। इस मूवी में जैकी चैन के एक्शन ने उन्हें एक एक्शन स्टार बनाया था। इस मूवी में वो हांगकांग पुलिस में होते हैं। वैसे तो इस मूवी में काफी अच्छे एक्शन सीन्स हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल फाइट सीन काफी आइकॉनिक माना जाता है। नंबर 1, ड्रंकन मास्टर 2। ड्रंकन मास्टर 2 पार्ट 1 के 16 साल बाद रिलीज हुई, जिसमें जैकी चैन ने अपनी न्यू मार्शल आर्ट्स टेक्निक से सबको हैरान कर दिया। इस मूवी में नॉन स्टॉप 20 मिनट का एक्शन सीन फिल्म हिस्ट्री में सबसे बेस्ट और लंबा फाइट सीन माना जाता है। ऐसी और मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।